पत्नी थी कि जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर में भारतीय छोरे ने इटली की गोरी के साथ साथ फेरे ले लिए। वाराणसी के रहने वाले इस युवक ने त्रिलोचन महादेव शिव मंदिर परिसर में शुक्रवार को इटली देश की युवती की मांग में सिंदूर भरा और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। शनिवार को दोनों ने धूमधाम से रिसेप्शन पार्टी भी रखी। गौरतलब है पूरे परिवार की सहमति से हिंदू रीति रिवाज और सभी रस्मों को मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया। विदेशी दुल्हनिया को देखने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। बता दें वाराणसी जिले के फूलपुर करखिया गांव निवासी अखिलेश विश्वकर्मा ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। अखिलेश साल 2016 से कतर एवरेज में केविन क्रू की नौकरी कर रहे थे। अखिलेश ने बताया कि 2022 में कतर में सूक वाकिफ के एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। यहां पर इटली की तानिया पब्लिको से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों मिलते जुलते रहे। कुछ ही दिन में दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल गया। इसी के साथ इसी साल 1 मार्च 2023 को दोनों ने अपने मित्रों की मौजूदगी में यूरोप जाकर जॉर्जिया में कोर्ट मैरिज कर ली। अखिलेश ने बताया कि जब मेरी पहली मुलाकात तानिया पब्लिको से हुई थी वह कतर में एक विद्यालय में इंग्लिश की टीचर थी। आज भी वह वहीं पर नौकरी कर रही है। उसकी इच्छा मेरी जन्मस्थली काशी देखने की थी, फिर वीजा बनवा कर अपने गाँव आ गया। गांव के लोगों का रहन सहन तानिया को बहुत भा रहा है। तानिया चाहती है उसे भारत की नागरिकता मिल जाए। इसके लिए करीब 2 साल बाद तानिया का OCI कोड बनेगा। वोट देने का अधिकार छोड़कर एक भारतीय होने का सारा अधिकार उसको मिल जाएगा। अखिलेश ने बताया कि तानिया को यहाँ घूमने फिरने के बाद दोनों को अपनी नौकरी पर एक हफ्ता बाद वापस कतर लौट जाना है। वही तानिया ने बताया कि उसका जन्म इटली में हुआ है और शिक्षा फिलीपींस में हुई। उसका पूरा परिवार अमेरिका में रहता है। तानिया ने बताया कि भारतीय भोजन उन्हें अच्छा लग रहा है, विशेषकर पति अखिलेश के हाथ की बनी चिकन कड़ी राइस और पराठा खूब भा रहा है। अखिलेश की विदेशी महिला से शादी कर उसे यहाँ करिखाओ गांव लाने से पूरा परिवार खुश है। पिता सुभाष विश्वकर्मा, माता संगीता, भाई उमेश और प्रतीक भी बेहद खुश है। विदेशी दुल्हनिया को देखने के लिए गांव के आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है।